नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका अगला पाठ, लेकिन पाठ करने से पहले आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए। इस चित्र को देखिए, क्या है ये? बताइए ये क्या है? यस, ये है आपका धनुष। क्या है ये? धनुष। और ये क्या है? ये है तीर। बच्चों, आपने ये धनुष और तीर अभी कुछ समय पहले रामायण और महाभारत में अवश्य देखे होंगे। बच्चों, तो हमारा जो पाठ है वो इन्हीं से संबंधित है। ये है धनुष। और ये हो गया तीर। ठीक है, तो हमारा जो पाठ है उसका शीर्षक है नसीरुद्दीन का निशाना। तो निशाने से आप समझ गए होंगे कि हम तीरंदाजी की बातचीत करेंगे। चलो बच्चों, देखते हैं कि पाठ में क्या होता है। नसीरुद्दीन का निशाना। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बतिया मतलब बातचीत या गपशप कर रहे थे। ये रहे नसीरुद्दीन, ये अपने दोस्तों के साथ बतिया रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। तीर सीधे निशाने पर लगता है। ये किसने कहा? ये नसीरुद्दीन अपने दोस्तों से कह रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बच्चों, ये कौन कह रहा है? नसीरुद्दीन अपने दोस्तों से ये वाली बात की उन्होंने कि तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। अब इनके दोस्त जो थे उनको नसीरुद्दीन पे विश्वास नहीं हुआ। हो सकता है उन्होंने नसीरुद्दीन को इससे पहले निशाना साधते हुए ना देखा हो, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। फिर उन्होंने उसको लक्ष्य बता दिया, तीर धनुष दे दिया और कहा कि अब तुम अपना निशाना साधो, देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। तो इसका मतलब है कि दोस्तों को तो नसीरुद्दीन पर विश्वास ही नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। नसीरुद्दीन फंस गए वो। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची और निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा, सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना है? उन्होंने कहा। उन्होंने किन्होंने? दोस्तों ने पूछा कि क्या यही तुम्हारा निशाना है जो कि आधे रास्ते में ही नीचे गिर गया? तो आइए देखते हैं नसीरुद्दीन ने क्या कहा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना है, यह तो काजी का निशाना है। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। तो नसीरुद्दीन ने क्या कहा जब उनका निशाना नहीं लगा? तो उन्होंने ये कह दिया कि ये निशाना तो काजी का है, काजी किसी व्यक्ति का नाम होगा, तो उन्होंने उसका नाम ले दिया। इस बार अब देखो, दूसरी बार उन्होंने निशाना साधा, अब वो उसको छोड़ दिया। अब देखते हैं क्या होता है। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा, ये तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। अब उसके दोस्त क्या कह रहे हैं कि ये जो निशाना तुमने लगाया ये तुम्हारा ही निशाना था। बिल्कुल नहीं, नसीरुद्दीन ने कहा,
यह मेरा नहीं सेनापति का निशाना था। अब उन्होंने क्या कह दिया, जब वो निशाना दोबारा से नहीं लगा तो दूसरी बार नसीरुद्दीन ने कहा कि यह निशाना किसका है, सेनापति का। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है। इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। नसीरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। उन्होंने जब पूछा कि सूची में अगला नंबर किसका है, तो नसीरुद्दीन ने बिल्कुल नहीं कुछ कहा कि किसका नंबर है। इसका मतलब है नसीरुद्दीन को अभी भी शक था कि हो सकता है ये निशाना भी अगर सही से ना लगे तो मैं किसी और का नाम ले दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि निशाना लगता है या नहीं लगता। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की और मुंह बाए ताकते रहे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। तो बच्चों, जब निशाना लग गया तो नसीरुद्दीन ने कह दिया कि यह निशाना मेरा था। तो इस कहानी से आपको क्या पता चलता है? आपको ये पता चलता है कि नसीरुद्दीन कैसे व्यक्ति थे। तो वो कैसे व्यक्ति थे? वो बहुत ही चालाक और साथ में बुद्धिमान भी थे, क्योंकि जब निशाना नहीं लगा तब उन्होंने अपने दोस्तों का नाम ले दिया, और जैसे ही निशाना लग गया तो उन्होंने कह दिया कि यह तो मेरा निशाना है। तो इस तरह से नसीरुद्दीन बहुत ही चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो बच्चों, इसके आगे प्रश्न उत्तर तो नहीं दिए हैं, लेकिन आपने जो भी मैं प्रश्न अभी बोलूंगी उसके बारे में सोचना है अपने मन में और बोलना है। जैसे ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ क्या गप मार रहे थे। तो ये शुरू की पंक्तियों में दिया हुआ है कि नसीरुद्दीन दोस्तों से कह रहे थे कि तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और भी प्रश्न हो सकता है कि दोस्तों ने किस तरह से नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। दोस्तों ने झटपट धनुष और बाण मंगवाया, धनुष और तीर मंगवाया और नसीरुद्दीन से निशाना साधने को कहा। नसीरुद्दीन का पहला निशाना चूकने पर उन्होंने क्या सफाई दी? तो जब पहली बार वो निशाना चूक गए, मतलब निशाना सीध में नहीं लगा, तो उन्होंने क्या सफाई दी थी? पहली बार उन्होंने कहा था कि यह मेरा नहीं किसका निशाना है, यस काजी का निशाना है। अब जब दूसरी बार नसीरुद्दीन चूक गए थे निशाना लगाने में, तो उन्होंने किसका नाम ले दिया था? दूसरी बार जब नसीरुद्दीन चूक गए थे तो उन्होंने किसका नाम लिया था? सेनापति का। और तीसरी बार क्या निशाना सही लगा था? बिल्कुल, तीसरी बार में निशाना बिल्कुल सही लगा था। तो इस बार नसीरुद्दीन ने क्या कहा? नसीरुद्दीन ने कहा कि यह तो मेरा निशाना है। अच्छा, तो इस कहानी को पढ़कर आपको नसीरुद्दीन कैसे व्यक्ति लगे? इस कहानी को पढ़कर हमें नसीरुद्दीन बहुत अच्छे व्यक्ति लगे। वो बहुत ही चालाक पर बुद्धिमान भी थे। तो चलो बच्चों, अब हम इसी पाठ में कुछ विशेषण सर्वनाम शब्दों को छांट लेते हैं, कि जैसे आप देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सर्वनाम क्या होते हैं। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे, तो यहाँ पर अपने जो शब्द है वो क्या बन जाएगा? सर्वनाम। तो क्योंकि वो किसके लिए यूज हो रहा है? दोस्तों के लिए यूज हो रहा है। आगे देखिए, बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। उन्होंने किन्होंने? नसीरुद्दीन ने। तो उन्होंने शब्द नसीरुद्दीन की जगह यूज प्रयोग किया गया है, तो उन्होंने क्या बन जाएगा? सर्वनाम। आगे देखिए, तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मेरा किसका? नसीरुद्दीन का। तो ये भी क्या है? सर्वनाम। मैं धनुष कसता हूं, मैं कौन? नसीरुद्दीन। निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। ऐसे ही जब आप आगे चलेंगे तो इसमें देखिए, उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। किन्होंने? दोस्तों ने। तो उन्होंने शब्द दोस्तों की जगह प्रयोग किया गया है, तो उन्होंने भी क्या है? एक सर्वनाम है। आगे देखिए, हाँ, नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा,
एक दोस्त जो था, एक दोस्त जब भागा भागा गया था, तीर धनुष खरीद कर लाया था, उसके लिए ये प्रयोग हुआ है उसने शब्द। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, मतलब किसी दोस्त ने कहा, तो ये दोस्त की जगह पर प्रयोग किया गया है उसने शब्द, तो ये भी क्या है, सर्वनाम। अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर, देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। तो यहाँ पर भी तुम किसके लिए प्रयोग किया गया है, नसीरुद्दीन के लिए, ये भी क्या हो गया, सर्वनाम। नसीरुद्दीन फंस गए, उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, तो उन्होंने ये भी किसकी जगह प्रयोग किया गया है, नसीरुद्दीन की जगह। अच्छा चलो अब आगे देखते हैं। हाँ यहाँ देखिए, क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना है, उन्होंने कहा। यहाँ पर देखिए, तुम्हारा जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, नसीरुद्दीन के लिए, तो नसीरुद्दीन भी लिख सकते थे यहाँ, यहाँ उन्होंने लिख दिया तुम्हारा। और यहाँ देखिए, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, दोस्तों ने कहा, दोस्तों की जगह प्रयोग किया गया है उन्होंने, और नसीरुद्दीन की जगह प्रयोग किया गया है तुम्हारा, तो ये दोनों भी क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब ऐसे ही आगे देख लेते हैं, मैं तो तुम्हें दिखा रहा था, मैं कौन, नसीरुद्दीन, तो ये भी क्या है, सर्वनाम। आगे देखिए, बिल्कुल नहीं, नसीरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, मेरा मतलब नसीरुद्दीन की जगह पर प्रयोग किया गया है, तो ये भी क्या है, सर्वनाम। आगे देखिए, यस, उसने चुपचाप एक और तीर उठाया, उसने किसने, नसीरुद्दीन ने, तो ये भी क्या है, सर्वनाम। और अंत में देखिए, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना, तुमने किसने, दोस्तों को कह रहा है कि देखा तुमने, दोस्तों की जगह क्या प्रयोग किया गया है, तुमने, यह था मेरा निशाना, किसका, नसीरुद्दीन का। तो बच्चों ये थे कुछ सर्वनाम शब्द, तो आशा करती हूँ कि आपको पाठ और सर्वनाम शब्द और साथ में प्रश्न उत्तर बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, आपने पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ये कहानी है वैसे तो, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, धनुष और बाण का चित्र बनाना है, और जो प्रश्न मैं आपको दूंगी वो करने हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।